हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि HCF और LCM फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकालते हैं। तो पहले HCF, तो HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो अब हम जैसे यहाँ पर हमने 12 और 18 के फैक्टर्स लिख दिए हैं, तो अब हमें HCF निकालना है। तो जैसे कि हमें कॉमन चाहिए, तो जो 12 में भी और 18 में भी आए ऐसा फैक्टर चाहिए, तो 1 भी आता है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है और 6 भी आ रहा है, लेकिन हमें हाईएस्ट चाहिए, इसीलिए सबसे बड़ा तो 6 ही है, इसीलिए HCF हो जाएगा 6। अब मैं आपको बताऊंगा कि HCF प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकालते हैं। तो जैसे कि 12 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे, तो 2 × 2 × 3 हो जाएगा, और 18 का 2 × 3 × 3 हो जाएगा। तो जैसे कि जो 2 भी मतलब दोनों में आ रहा है और 3 भी दोनों में आ रहा है, तो हम 2 के बदले 1 लिख देंगे और 2 3 के बदले 1 3 लिख देंगे, और दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6। इसका मतलब 18 और 12 का HCF है 6। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि LCM कैसे निकालते हैं। तो LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो पहले हमें वही नंबर लेंगे 12 और 18, तो हम 12 के यहाँ पर मल्टीपल्स लिखेंगे, तो 12 के मल्टीपल्स हो गए 12 खुद, और 24, 36, 48, 60, 70, 24, वैसे ही 18 के। तो अब हमें देखना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो 18 में भी आ रहा है और 12 में भी आ रहा है। तो 36 और 72 18 में भी आ रहा है और 12 में भी आ रहा है। तो अब हमें सबसे छोटा चाहिए, तो सबसे छोटा हमें चाहिए, इसीलिए LCM हो जाएगा 36। तो सबसे छोटा 36 ही है जो दोनों में आ रहा है, इसलिए LCM हो जाएगा 36। अब मैं आपको बताऊंगा कि LCM प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकालते हैं। तो 12 के हम यहाँ पर लिख लेंगे, और 18 के भी मैंने लिख लिए। फिर अब जैसे कि 2 और 3 दोनों आ रहे हैं, तो 2 के बदले 1 लिखेंगे और 2 3 के बदले 1 3 लिखेंगे, लेकिन हमने HCF में जो दोनों में आ रहा था वही लिखा था, लेकिन यहाँ पर हम 2 और 3 जो ये दोनों नंबर हैं इन दोनों को भी बाद में लिख देंगे। तो अब हमें 2 × 3 × 2 × 3 करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ गया, और दोनों का आप देख सकते हो कि दोनों मेथड से करने से एक ही आ रहा है, एक ही नंबर आ रहा है ना। तो और फिर जैसे कि यहाँ पर मैंने फैक्टर और प्राइम फैक्टराइजेशन और LCM और ये सब मैंने बहुत सारे मतलब वीडियो बनाए हैं, तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, तो आप वीडियोस देख सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब मैं HCF के लिए एक एग्जांपल और लूँगा। तो जैसे कि नंबर है 42, 70, 98 और 126। तो अब हम जैसे सब लिख दें, सबके प्राइम फैक्टर्स लिख देंगे, सब हमने लिख दिया है, और अब हम देखेंगे कि कॉमन कौन सा है। तो आप देख सकते हैं कि 2 भी चारों में आ रहा है, और 2 भी चारों में आ रहा है, और 7 भी आ रहा है, तो इन चारों 2 के बदले 1 2, और इन चारों 7 के बदले 1 7, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 14। इसका मतलब इन सारे नंबर का HCF है 14। उसके बाद अब मैं बताऊंगा कि LCM कैसे निकालना है, LCM
कैसे निकालना है। तो नंबर तो वही है पर थोड़ा सा इसमें चेंज होगा। तो जैसे कि 2 तो हम लिख ही देंगे, 4 2 के बदले 1 2 और 4 7 के बदले 1 7। लेकिन अब एलसीएम में हमें ऐसा भी देखना है कि चारों में तो नहीं आ रहा है, लेकिन अगर 3 या 2 में भी आता है तो उसके बदले भी हम 1 लिख सकते हैं। तो जैसे 3 है वो 40 मतलब दोनों में आ रहा है, इसीलिए उसके बदले हम 1 3 लिख सकते हैं। अब उसके बाद जो और नंबर बचे जैसे 5 7 और 3, तो इन तीनों को भी हम लिख देंगे एलसीएम में, ठीक है। तो अब हम लिख देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4410। अब मैं बताऊंगा कि जो एलसीएम होता है वो एचसीएफ से बड़ा होता है हमेशा। और अब जैसे कि अगर हम किसी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट आएगा, है ना। तो जैसे कि उन दोनों नंबर के एचसीएफ और एलसीएम को भी अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आएगा। जैसे कि हमने 12 और 18 को किया तो आया 216। और अगर हम उनके एलसीएम और एचसीएफ को भी करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ को भी करेंगे तब भी वही नंबर आएगा। और फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।